राम राम जी आप सबको, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको ये डिजाइन बना के दिखा रही हूँ, बॉर्डर बना के, जो पहले सिलाई में शुरू किया था, अब पहले सिलाई से बना के दिखा रही हूँ आपको। आप इसको छोटे बच्चे के कार्डिगन में डाल सकते हो, लेडीज कार्डिगन में डाल सकते हो, कहीं भी डाल सकते हो। एक डिजाइन ये 10 फंदे का है और 12 सिलाई का है। पहली सिलाई से बना के दिखा रही हूँ आपको। एक फंदा में पहले हम एक सिलाई सीधी उतारेंगे अरे धागे से। पहली सिलाई है ये, सीधी सिलाई है, सारे फंदे सीधे बना लेंगे। अब आगे दूसरी सिलाई, उल्टी सिलाई। उल्टी सिलाई भी हमें सीधी बनाएंगे यूँ। वैसे तुम्हारा सिर उल्टा है, ये सिलाई हमें सीधी बनाएंगे। पहली सिलाई भी सीधी, दूसरी सिलाई भी सीधी। दो सिलाई हो गई, अब आगे तीसरी सिलाई, सीधी सिलाई। तीसरी सिलाई हमें जो ये धागा है इससे उतारेंगे। दो सिलाई अरे धागे की उतार ली, ये बनाने के लिए, ये लाइन है जो, ये बनाने के लिए हमने दोनों सिलाई सीधी उतारी है, पहली भी और दूसरी भी। अब तीसरी सिलाई आ गई, पहले हमें कोने वाला फंदा, ये डिजाइन से अलग है हमारा, फिर दो फंदे ऐसे उतार लेंगे खाली, फिर आगे 8 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, 8 फंदे, 1 2 3 4 8 फंदे सीधे, 2 फंदे ये खाली उतार लिए। ये 10 फंदे का डिजाइन है एक हमारा, यही 10 फंदे आगे बनाएंगे पूरी सिलाई में। आगे फिर 2 फंदे सीधे ऐसे स्लिप कर लिए, ये बनाए नहीं हमने ये। फिर 8 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फंदे बना लेंगे सीधे, बना लिए ये। फिर 2 फंदे स्लिप कर लेंगे, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फंदे सीधे बना लिए। अब 3 डिजाइन हो गए हमारे ये पूरे। 3 डिजाइन के लिए 30 फंदे ये हो गए। एक फंदा ये डिजाइन से अलग रख लिया, एक फंदा ये डिजाइन से अलग रख लिया, फिर 2 फंदे ये रख लेंगे हम। हमने 4 फंदे ज़्यादा डालने पड़ेंगे डिजाइन को सेट करने के लिए। दोनों कोने पे एक एक रख लिया, 2 फंदे ये ज़्यादा डालने पड़ेंगे। कोने पर आप अगर 2 रखना चाहो दो दो भी रख सकते हो। ये डिजाइन सेट करने के लिए 2 फंदे और रख लिए हमने डिजाइन से। ये 30 फंदे से 2 फंदे ज़्यादा, 32 फंदे हो गए ये। एक ये 33, एक ये 34, 34 फंदे है ये वाला बना लेंगे। अब आ गई चौथी सिलाई, उल्टी सिलाई। जो फंदे हमने सीधी सिलाई में बनाए थे वो बना लेंगे, जो खाली उतारे थे उनको खाली उतार लेंगे। अब भी चौथी सिलाई में भी 8 फंदे ये उल्टे बना लेंगे, 2 फंदे ये
ऐसे स्लिप कर लेंगे। फिर एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, आठ फंदे बना लेंगे, दो फंदे ऐसे स्लिप कर लेंगे। फिर एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, फिर दो फंदे ऐसे कर लेंगे स्लिप, कोने वाला बना लेंगे। अब आ गई पाँचवीं सिलाई, सीधी सिलाई। ये फंदा बना लिया, फिर जो फंदे स्लिप करे थे अब भी स्लिप कर लेंगे पाँचवीं सिलाई में भी। आगे फिर जो ये आठ फंदे हैं इनमें से हम चार फंदे बना लेंगे, एक दो तीन। जो ये धागा है ये साथ साथ लेके चलेंगे, ये वाले वो बनाने हमने बबल, ये बबल बनाने हमने, ये फंदा साथ साथ ऐसे लेके चलेंगे। अब ये चार फंदे बना लेंगे, चार के बाद जो ये आठ फंदे हैं इनमें से चार बना के पांचवें फंदे पर ये बनाएंगे, ये बबल। एक फंदे के तीन फंदे बना लेंगे, एक फिर अपनी तरफ धागा करके दो तीन जाली बना ली और एक फंदा बना लिया, तीन फंदे बना लिए एक फंदे के। फिर ये सिलाई ऐसे पलट लेंगे हम, फिर ये तीनों फंदे ऐसे डाल के यूँ तीन का एक बना देंगे ऐसे, फिर वापिस यूँ कर लेंगे। फिर ये फंदा जो ये धागा है संतरी धागा, इससे एक बार और बना लेंगे ऐसे। फिर आगे जो ये हरा फंदा है ये साथ साथ लेके चलेंगे हम, दो फंदे बना के दबा लो इसको धागे को, तीन फंदे बना के बना दबा लो तीन फंदे, फिर ये बना लिए, चार फंदे बना के पांचवें फंदे पे बबल बना दिया, फिर तीन फंदे बना दिए, फिर ये दो फंदे स्लिप कर लिए। आगे फिर जो आठ फंदे हैं इनमें से चार बना लेंगे, एक दो तीन चार, चार फंदे बना लिए, पांचवें फंदे पे ये बबल बनाएंगे, एक तीन फंदे बना लेंगे, दो तीन, तीन फंदे बना लिए। फिर सिलाई को ऐसे पलट के जो ये तीन फंदे बनाए हैं तीन का एक कर देंगे, ये दो और एक तीन, तीन फंदे का एक बना देंगे। फिर वापिस यूं पलट के सिलाई को अब संतरी धागे से एक बार फिर बना लेंगे ये फंदा ऐसे। आप इसको पांच का भी बना सकते हो, सात का भी बना सकते हो, ज़्यादा बड़ा बनाना हो ये बबल तो सात का भी बना सकते हो, पांच का भी, एक फंदे के सात फंदे बना लिए, एक फंदे के पांच फंदे बना लिए, इस तरह। मैं तीन फंदे बना के दिखा रही हूँ, फिर ये दो फंदे ऐसे खाली उतार लेंगे, फिर ये फंदा धागा साथ में ले चलेंगे। फिर एक दो तीन चार, पांचवें फंदे पर फिर बनाएंगे, एक फंदे के तीन बना लेंगे एक, अपनी तरफ धागा करके दो तीन, फिर वापिस तीन फंदे का एक बना देंगे ऐसे। फिर सिलाई को पलट के एक बार फिर ये धागा संतरी धागा जो इससे बना लेंगे, फिर ये फंदा ऐसे थोड़ा खींच लेंगे। आगे तो ले जाने की ज़रूरत नहीं, आगे तो बनेगा नहीं, यहीं छोड़ दिया हमने ये हरा धागा। फिर वापस लेके आएंगे, फिर ये तीन फंदे ऐसे बना लिए, दो फंदे ये स्लिप कर लिए, कोने वाला भी ऐसे बना लिया। पांच सिलाई होगी, अब आगे छठी सिलाई। पांच कहाँ होगी, तीसरी थी ये सिलाई, दो ये उतारी थी, फिर एक ये, तीन चार पांचवीं थी, अब पांचवीं सिलाई थी, अब आ गई छठी सिलाई। जो फंदे बना रखे उनको बना लेंगे, जो खाली उतारे थे उनको खाली उतार लेंगे, जो बना रखे बना लेंगे, जो खाली उतार रखे उनको खाली उतार लेंगे। अब ये धागा हमने इधर साथ साथ लेके आएंगे, दो फंदे बना के, अगर ये छोटे धागे रखने हैं दो दो बना के फिर साथ साथ दबा के ले आना यूँ। ऐसे क्यों इधर से ही चलाएंगे, अब धागा आ गई है इस करके वापस लेके आ रहे हैं।
अब ये छठी सिलाई है, ज़्यादा लंबा हो गया, थोड़ा छोटा करके दबाना। दो दो के बाद दबाएंगे तो उंगली नहीं फंसेगी बच्चे के बीच में। फिर ये दो फंदे ऐसे उतार लेंगे और ये फंदा बना लेंगे। अब आ गई सातवीं सिलाई, देखो अच्छे लग रहे हैं, मोती है लग रहे हैं। अब सातवीं सिलाई में भी हमने जो ये धागा ये चलाना है, सीधी सिलाई उतार लेंगे एक सातवीं, जो हमने पहली सिलाई उतारी थी। अब सातवीं सिलाई इस तरह उतारेंगे, सारे फंदे बना लेंगे, जो ये स्लिप कर रहे थे अरे दो फंदे ये भी बना लेंगे। अब सीधी बना रहे हैं ये सातवीं सिलाई, सिलाई का ध्यान रखना बस। वैसे तो बहुत आसान है ये डिजाइन। अब आ गई आठवीं सिलाई, उल्टी सिलाई, ये भी हमें सीधी बना लेंगे। उल्टी साइड है ये सिलाई, हमें सीधी बना रहे हैं, आठवीं है ये। अब आ गई नौवीं सिलाई, नौवीं सिलाई में फिर हम डिजाइन को पलट के बनाएंगे। डिजाइन जो ये बबल हैं इनके ऊपर ये फंदे बनाएंगे। अब पहले हम एक तो ये डिजाइन से अलग है, फिर ये दो फंदे जो हमने स्लिप किए थे ये भी सीधे बना लिए। फिर आगे जो आठ फंदे हैं इनमें से तीन फंदे बना लेंगे, एक दो तीन, तीन फंदे इस तरफ बना लिए, तीन फंदे इस तरफ छोड़ देंगे। जो बीच के दो फंदे हैं, आठ फंदे के बीच के दो फंदे हैं, उनको खाली उतारेंगे। दो फंदे ये एक फंदा कोने वाला डिजाइन से अलग है, दो फंदे स्लिप किए थे वो हैं ये, तीन फंदे ये बना लिए। फिर अब ये छह फंदे हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः, छः फंदे बना लिए, दो फंदे स्लिप कर लिए। अब ये तीन फंदे बच गए, ये फंदे हमें अब यहाँ से एक दो तीन आठ फंदे बनाएंगे। अब दो फंदे ये और आठ फंदे आगे, ये डिजाइन यहाँ कोने पे कट गया हमारा। तीन फंदे ये हो गए, जो ये दो फंदे स्लिप किए थे दो ये, तीन चार और एक पाँच, आगे तीन फंदे जो आठ फंदे हैं उनमें से मिलाएंगे, एक दो तीन। अब ये आठ फंदे हो गए, एक दो तीन चार। अब एक डिजाइन दो फंदे स्लिप कर लिए, आठ फंदे सीधे बना लिए, दस फंदे का हो गया, यही दस फंदे आगे बनाएंगे। अब दो फंदे स्लिप कर लिए बीच वाले, जो आठ फंदे हैं उनमें से दो बीच वाले स्लिप करेंगे, तीन इस तरफ मिला लिए और तीन इस तरफ, तीन इस तरफ, चार पाँच छः सात आठ। अब दो फंदे ये स्लिप कर लेंगे, आगे तीन फंदे बच गए, जो एक दो तीन चार पाँच छः। अब ये इधर भी छः बच गए और इधर भी छः बच गए, पहले यहाँ था ये जो स्लिप करे थे, अब जो आठ फंदे उनके बीच वाले दो छोड़ लिए। अब आ गई नौवीं सिलाई, जो फंदे बनाए थे हमने वो बना लेंगे और जो स्लिप किए थे उनको स्लिप कर लेंगे।
अब ये 10 सिलाई पूरी होगी। अब आ गई 11वीं सिलाई। 11वीं सिलाई में हमने साथ साथ बबल बनाएंगे, ये आधा धागा साथ में लेके चलेंगे। अब यहाँ बनेगा 3 फंदे, जो ये 8 फंदे हैं, 8 फंदे के 3 फंदे इधर छोड़ देंगे, 4 फंदे बना लेंगे, 5वें फंदे पे बनेगा, तो इधर बनेगा 3 छोड़ देंगे, ये फंदा जो इस पे बनेगा। अब ये 11वीं सिलाई है, एक फंदे के 3 फंदे बना लिए, फिर सिलाई को ऐसे पलट के यूँ जो 3 फंदे बनाए हैं इनका एक कर देंगे वापस, ऐसे, फिर वापस पलट के यूँ जो एक फंदा बनाया है ये भी हमें संतरी से बना लेंगे, फिर आगे 1, 2, 3 ये स्लिप कर लेंगे, फिर आगे फिर 1, 2, 3, 4 पांचवें फंदे पर बनाएंगे, 1 अपनी तरफ धागा करके 2, 3 फिर सिलाई को ऐसे पलट लेंगे जो 3 फंदे हैं 3 का एक बना देंगे ऐसे, फिर पलट के यूँ संतरी धागे से एक बार फिर बना लेंगे, फिर आगे फिर 1, 2, 3 ये 3 फंदे बना दिए, फिर धागा आगे लेके गए, फिर 3, 4 फंदे फिर बनाएंगे, 1, 2, 3, 4 फिर 5वें फंदे पे फिर बबल बनाएंगे, 1, 1 अपनी तरफ धागा करके 2, 3 फिर ऐसे सिलाई पलट के जो 3 फंदे 3 का एक बना देंगे, अब फिर संतरी धागे से बना लेंगे, एक 2, 3 फिर ये 2 फंदे ऐसे स्लिप कर लेंगे, फिर ये धागा साथ में ले चलेंगे, 1, 2, 3, 4 अब 5वें फंदे पे फिर बना देंगे यहाँ, 1 अपनी तरफ धागा करके 2, 3 ये कोने वाला, अब एक बार फिर यूँ पलट के 3 फंदे का एक बना लेंगे ऐसे, ये फंदा ऐसे बना लेंगे संतरी धागे से यूं करके। अब आ गई ये 12वीं सिलाई, ये सिलाई सारे फंदे जो बनाए हुए हैं उनको बना लेंगे, जो स्लिप किए हैं उनको स्लिप कर लेंगे, अब ये धागा साथ साथ है उधर लेके चलेंगे, उधर से फिर शुरू करेंगे आगे, अब ये 12 सिलाई हो गई हमारी और एक डिजाइन पूरा हो गया, ये देखो ऐसे बनेगा, ये यही 12 सिलाई हम बार बार बनाएंगे तो ऐसा डिजाइन बनेगा। हाँ जी, मेरा डिजाइन पसंद आए और बताने का तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।